दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंस मेडियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राजस्थान में यूटीपी भर्ती का दौर जारी है। एक और जिले में यूट्यूबर वैकेंसी निकाल दी गई है। दोस्तों आपको जिस जिले का इंतजार था, काफ़ी साथियों के मैसेज आ रहे थे करौली जिले में कब आएगी यूट्यूबर वैकेंसी, तो दोस्तों करौली जिले में यूट्यूबी पर वैकेंसी आ चुकी है। नर्सिंग ऑफिसर, NM, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, साइक रेडियोथेरेपर के लिए। तो इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है, फॉर्म आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको तो बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इस तरह जो फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो ये डिस्क्रिप्शन में दे रहता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसी है वो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है। क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आपने GNM या BS नर्सिंग कर रखी है और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट के बारे में बात है, टोटल नर्सिंग ऑफिसर लिए यहाँ पर 100 पोस्ट रहने वाले हैं। अपन एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों 23 अगस्त 2023 रहने वाली है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त रहने वाली है। इसके बाद हम दूसरी वैकेंसी यहाँ पर NM के लिए रहने वाली है। क्वालिफिकेशन बात है दोस्तों, 10वीं पास होनी चाहिए और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके साथ में दोस्तों जो NMA कोर्स है वो आपके किया हुआ होना चाहिए, 2 साल का कोर्स होता है वो किया हुआ होना चाहिए, आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए उसका। इसके साथ में इसमें टोटल पोस्ट के बारे में बात है, टोटल यहाँ पर NM के लिए 50 पोस्ट यहाँ पर आई है। लास्ट डेट है फॉर्म की वो 23 अगस्त यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। क्वालिफिकेशन बात करें दोस्तों, 12th वो साइंस में पास होनी चाहिए, विज्ञान या गणित के अंदर, साइंस बायोलॉजी या फिर मैथ के अंदर यदि किसी ने 12th पास करके साइंस में वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथ में दोस्तों जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और लैब टेक्नीशियन के अंदर डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट रहने वाले हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 25 अगस्त रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए रहने वाली है। क्वालिफिकेशन बाद दोस्तों 12th वो पास होनी चाहिए और दोस्तों राजस्थान फार्मेसी का मुझे आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और डी फार्मेसी या बी फार्मेसी आपके पास में की हुई होनी चाहिए। एक और कर रखा है डी फार्मेसी या बी फार्मेसी और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। टोटल यहाँ पर 18 पोस्ट रहने वाले हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 25 अगस्त रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर साइज रेडियोग्राफर के लिए रहने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात है दोस्तों, जो 12th वो साइंस में पास होनी चाहिए, बायोलॉजी या मैथ के अंदर और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ में दोस्तों रेडियोग्राफी में आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट रहने वाले हैं साइक रेडियोग्राफर के लिए। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त रहने वाली है। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहले अपन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेरिट प्लस बोनस रहने वाला है। जो परमानेंट वैकेंसी में जो सीन है सेम उसी प्रकार से ये यहाँ पर रहने वाला है, सेम वही पैटर्न है। 70% जो भी आपके शैक्षणिक जो जो व्यवसाय परीक्षा में आपने जो भी परसेंटेज बनी है उसका 70% निकालेंगे और आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर 30% नंबर मिलेंगे। 1 साल दे तो 10% मिलते हैं, 2 साल दे तो 20% और 3 साल दे तो 30% नंबर आपके पास में मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों जो चयन सूची है उसके अंदर जो स्थानीय निवासी है करौली जिले के उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। यदि सीटें बच जाती है तो अन्य जिले वाले अभ्यर्थियों को वो भी मौका मिलेगा। इसके बाद हम दोस्तों अपन बात कर लेते हैं जो सैलरी है वो यहाँ पर दोस्तों जो नर्सिंग ऑफिसर की है वो 37,800 रुपये रहने वाली है पर मंथ। NM के लिए यहाँ पर एक मिनट, NM लैब टेक्नीशियन साई रेट होता है पर उनकी यहाँ पर 26,300 रुपये पर मंथ रहने वाली है और जो फार्मासिस्ट है उनकी सैलरी 33,800 रुपये पर मंथ रहने वाली है। ये तो सैलरी की बात होती है। और जो फॉर्म है वो दोस्तों आपको ऑफलाइन बनना है। फॉर्म द फॉर्मेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों सबसे पहले अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तो मिल रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी तो चीज़ है तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। बाकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है वह आप तो बता देता हूँ दोबारा से। नर्सिंग ऑफिसर NM के लिए 23 अगस्त रहने वाली है। लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट साई रेडियोथेरेपर के लिए 25 अगस्त शाम 6 बजे तक रहने वाली है। तो जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। साथ में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए। जो ऑफलाइन फॉर्म है सबसे पहले जो आपका आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए, जाति मूल की फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए,
जो आपने डिप्लोमा डिग्री करा है उसकी फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए, 10वीं और 12वीं जो मार्कशीट की फोटोकॉपी होनी चाहिए, और जो रजिस्ट्रेशन है जैसे नर्सिंग ऑफिसर और NM उनका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका जो सर्टिफिकेट वो आपके पास में होना चाहिए, फार्मासिस्ट जो राजस्थान फार्मेसी काउंसिल उसमें आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर लगानी है आपको, और जो असिस्टेंट रेडियोग्राफर है और जो लैब टेक्नीशियन है उनका राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है तो आपके पास में जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। और बाकी और जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पर साथ में अटैच कर देनी है फॉर्म भर के, और जो फॉर्म है आपको CMHO ऑफिस है करौली के अंदर वहाँ पर आपको जमा करवाना है, आप खुद भी जा सकते हो या डाक के माध्यम से भी भेज सकते हो। फॉर्म का फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। यदि वीडियो चलेगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।